पुलवामा में आत्मघाती हमले में शहीद हुए 44 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत से पूरा देश हतप्रभ है। आतंकवादी घटना से खासकर देश का युवा आक्रोशित नजर आ रहा है। युवाओं के दिलों में यहाँ शहीद हुए देश के वीर जवानों एवं उनके परिवारों के प्रति सहानुभूति तो है, दूसरी ओर आतंकवादियों और उनकी पनाहगार बना पाकिस्तान के खिलाफ जमकर आक्रोश भी साफ देखा जा सकता है। इसी का परिणाम है कि आज देश भर में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है तथा पुतले दहन किए जा रहे हैं और सरकार से खून के बदले खून की मांग की जा रही है। शिवसेना जिला मीडिया प्रभारी हरीश जटिया ने बताया कि प्रतापगढ़ शिवसेना जिला प्रमुख अजय सिंह आजना, मेवाड़ उप प्रमुख दशरथ सिंह गुजर व युवा सेना जिला प्रमुख मनीष माली के नेतृत्व में प्रतापगढ़ शिवसेना के आह्वान पर दोपहर 1 बजे नगर परिषद स्थित गांधी चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में शिवसेना व युवा सेना ने एकत्रित होकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए मार्च निकाला तथा आतंकवाद और पाकिस्तान का लात घूंसे और चप्पल मारते हुए पुतला फूंका। इससे पूर्व भी सभी शिवसेना कार्यकर्ता ने शहीद हुए सभी जवानों को 2 मिनट मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से शहीद जवानों के परिजनों को दुख की घड़ी में साहस प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर जिला मीडिया प्रभारी हरीश जटिया, शिवसेना जिला प्रमुख अजय सिंह आजना, युवा सेना जिला प्रमुख मनीष माली, मेवाड़ उप प्रमुख दशरथ सिंह गुजर एवं नगर मीडिया प्रभारी विपिन राव, मनोहर आंजना, आशीष मेनारिया, विनोद मालवी, ईश्वर शर्मा, दमोत्तर ईश्वर साहू, राहुल आंजना, ईश्वर कहार, सुरेश लवाना, संजय चौहान, मनोहर चौहान, सुनील माली, चिंटू पालीवाल, मुकेश बोरालिया, देवेंद्र जाट, प्रदीप राठौर, बबलू माली, राकेश माली, हितेश मेवाड़ा, अर्जुन माली, मांगीलाल मीणा, जगदीश आंजना, श्याम पंडित, कपिल मदन मीणा, विजय मीणा सहित सैकड़ों की संख्या में शिव सैनिक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। जय श्री राम, वंदे मातरम। 14 फरवरी को पाकिस्तान के द्वारा हमारे सेना के ऊपर, सैनिकों के ऊपर जो आतंकवादी हमला किया गया है उसकी हम निंदा करते हैं। सर्व हिंदू समाज और भारतवासियों की तरफ से मैं इस कायरतापूर्ण कृतज्ञ की निंदा करता हूं और हम प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि 14 फरवरी को शहीद दिवस घोषित किया जाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद।